हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कटिंग कर रही हूँ, कुर्ता नेट वाला कुर्ता, और ये है इसकी लाइनिंग अस्तर। ये मैं कर रही हूँ नैरो कुर्ते की कटिंग। अस्तर है इस पे मैं चोली की कटिंग करूँगी, क्योंकि ऊपर ही ऊपर लगाऊंगी अस्तर, सिर्फ चोली में, नीचे नहीं लगाऊंगी। तो ये चोली पे चोली की कटिंग करूँगी पहले ऊपर की। तो ये देखो, अस्तर को मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है, और ये बन साइड अपनी साइड रख के अब मैं इसमें निशान लगाती हूँ। निशान लगा लिया है यहाँ से कंधे का, और यहाँ से मैंने आरमोल का लिया है 6.5, और यहाँ से चेस्ट का 4, और ये कमर का चौथा भाग, और ये एक प्लेट डलेगी इसमें। और मैंने लंबाई इसकी ली है 15, 14 तैयार चाहिए तो 15 ली है मैंने इसकी लंबाई। ये मैंने अस्तर में बैक का और फ्रंट का पल्ला कट कर दिया है, और इसमें दोनों में प्लेट भी डाल दी है। और अब चलते हैं इस पे कपड़े पे, कपड़े बिछाते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने फिर ऐसे लंबाई लंबा करके बिछा दिया है, और ये फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड हैं ये। तो इसको सीधा ही चोली माइनस करके, और जो भी मतलब फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए वो प्लस करके कटिंग कर देंगे। तो मेरे को चाहिए 39 की लंबाई है मेरी, और 14 की चोली है। तो उन 14 माइनस कर दिया है मैंने, तो मेरा रह गया 25। तो मैंने लगाया है इसको 27, 27 इंच पे निशान लगा दिया है मैंने ये। और अब मैं ये सीधा ही कट कर दूंगी, और ये सीधा ही रहेगा क्योंकि इसके तो बीच में प्लेट पड़ती है ना। तो मैं अब ये दोनों पल्ले आगे का भी और पीछे का भी सीधा कट कर दूंगी, ये बाकी जो ये है कपड़ा बचेगा इसमें से चोली कट करूंगी। तो ये देखिए, नीचे का ये घेरा मैंने कट कर दिया है, और अब ये इसमें से मैं चोली कट करूंगी ऊपर की। तो अब इसमें अस्तर बिछाती हूँ। मैं यहाँ से ये चोली का निकालूंगी, फ्रंट बैक दोनों, ये मैंने फोल्ड कर दिया है और ये इसके ऊपर बिछा दिया। अब इसको ही कट कर दूंगी ऐसे करके। ये कट हो गया है, बस अब इसका फ्रंट का और बैक का गला कट करेंगे, इसको सिलते। तो ये मेरी ऊपर की चोली बन के तैयार हो गई है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों। और अब ये जो पल्ला है इसमें चुन्नट डालूंगी पहले, इसके बराबर ही बीच में इसमें चुन्नट डालूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने प्लेट डाल दी है, और अब इसको चोली को इसके साथ अटैच करती हूँ। तो ये देखो, ये अटैच हो गई है, ये मैंने जोड़ दिया इसके साथ। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये जो कमर है ना, यहाँ से थोड़ा सा 2-3 इंची नीचे पे मैंने चाक छोड़ा है इसका, और ये बाजू भी लग गए हैं, और ये देखो चुन्नट बीच में आके तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, बन के तैयार हो गया है नैरो सूट। तो कैसा लगा आपको ये सूट? ये देखिए, स्लिप भी मैंने जोड़ दी है, और इसमें ये ऐसे वाला वो लगा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।